Hello everyone, welcome to Rasa International School online classes. In this video, we are going to learn general knowledge of class 7th. Topic is whistle blowers. Page number 22 and 23. Let's start. The acts of various persons have often changed the course of history. They have had different motives, be it to overthrow the government, gain power or take revenge. Can you name a few of them? विभिन्न व्यक्तियों के कृत्यों के अक्सर इतिहास के पाठ्यक्रमों को बदल दिया है. उनका अलग मकसद है. सरकार को उखाड़ फेंकना, सत्ता हासिल करना या बदला लेना. क्या आप उनमें से कुछ का नाम ले सकते हैं? नंबर वन, ही वॉज pardoned after his defeat in his fight against Caesar. He rose to become a senator and one of Caesar's most trusted aides. Yet he joined the plot to assassinate Caesar in 44 BCE. Who was he? Caesar के खिलाफ लड़ाई में हार के बाद उन्हें क्षमा कर दिया गया था. वह एक सीनेटर और सीजर के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक बनने के लिए थे. फिर भी वह 44 ईसा पूर्व में सीजर की हत्या की साजिश में शामिल हो गए. वह कौन था? आंसर इज जूनियस ब्रूटस. नंबर टू, ही वॉज वन ऑफ द 12 अपोस्टल्स ऑफ जीजस. He agreed to betray Jesus by handing him over the chief priests to be murdered. He led the priest to Jesus and identified him with a kiss on the cheek. In return, he got 30 pieces of silver. Later, filled with guilt and despair, he returned the money and killed himself. Who was he? वह यीशु के 12 प्रेक्षितों में से एक था. वह यीशु को धोखा देने के लिए मुख्य पुजारियों को हत्या करने के लिए सौंपने के लिए सहमत हो गया. उन्होंने कहा कि यीशु के पुजारियों का नेतृत्व किया और गाल पर एक चुम्बन के साथ उसे पहचाना. बदले में उसे चांदी के 30 टुकड़े मिले. बाद में अपराध बोध और निराशा से भरकर उसने पैसे वापस कर दिए और खुद को मार डाला. वह कौन था? आंसर है जूडस इस्करियोट. नंबर थ्री, ही वॉज वन ऑफ द पर्सन्स हु प्लॉटेड टू असैसिनेट द प्रोटेस्टेंट किंग जेम आई एंड हिज मिनिस्टर्स बाय एक्सप्लोडिंग द पार्लियामेंट बिल्डिंग इन 1605 CE. दिस वॉज मोर पॉपुलरली नोन एज द गन पाउडर प्लॉट प्रमोटेड बाय एन एनोनिमस लेटर. द ऑथराइज्ड सर्च द स्पेस underneath the house of lord and found the traitor gardening 36 barrels of gunpowder. He was sentenced to death but he committed suicide. Who was he? वह उन लोगों में से एक थे जिन्होंने 1605 ईस्वी में संसद भवन में विस्फोट करके प्रोटेस्टेंट राजा जेम्स और उनके मंत्रियों की हत्या करने की साजिश रची थी. यह गनपाउडर प्लॉट के रूप में अधिक लोकप्रिय था. एक गुमनाम पत्र से प्रेरित होकर अधिकारियों ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के नीचे की जगह की खोज की और गद्दार को 36 बैरल बारूद की रखवाली करते पाया. उन्हें मौत की सजा सुनाई गई लेकिन उन्होंने आत्महत्या कर ली. वह कौन था? आंसर इज गाय फॉक्स. नेक्स्ट, ही गेव अवे द वेयर अबाउट्स ऑफ बीरा पंडिया कटा बुमन अ तमिल चीफ टेन एंड फ्रीडम फाइटर टू द ब्रिटिश एंड दस बिट्रेड हिज ऑन कंट्रीमैन. द ब्रिटिश इवेंचुअली हैंग्ड कटा बुमन वाइल हिज दिस वेटेड वॉज मेड अ राजा. हु वॉज ही? उन्होंने वीर पांडिया कटा बुमन जहाँ एक तमिल सरदार था और अंग्रेजों को स्वतंत्रता सेनानी दिया और इस तरह अपने ही देशवासियों को धोखा दिया. अंततः अंग्रेजों ने कटा बुमन को फांसी दे दी जबकि इस गद्दारी को राजा बना दिया गया. वह कौन था? आंसर इज विजया रघुनाथा टोंडाइमन. नेक्स्ट, ही वॉज अ
मच डेकोरेटेड यूएस आर्मी ऑफिसर ड्यूरिंग द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। However, at one point of time, he felt humiliated by the United States. In revenge, he secretly negotiated to sell West Point, a key post for winning the war, to the British for a sum of £20,000. The plot was uncovered when his British contact was captured. He escaped to Britain, where he died इन एक्सट्रीम प्रो पॉवर्टी नेम हिम। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वह बहुत एक अच्छे मतलब अमेरिका सेना अधिकारी था। हालांकि एक समय पर उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपमानित महसूस किया। बदला लेने के लिए उन्होंने गुप्त रूप से बेस्ट पॉइंट को बेचने के लिए बातचीत की। युद्ध जीतने वाला एक प्रमुख पद ब्रिटिश को £20,000 की राशि के लिए। जब उसके ब्रिटिश संपर्क को पकड़ लिया गया तो इस साजिश का पर्दाफाश हुआ। वह ब्रिटेन भाग गया जहां उसकी अंततः गरीबी में मृत्यु हो गई। उसका नाम बताइए। आंसर बेनेडिक्ट अर्नोल्ड। नेक्स्ट, ही बिकेम नॉर्वेज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन 1931 बट रिजाइंड इन 1933 टू फ्रॉम द नेशनल यूनियन पार्टी इन 1933। 1940 ही मीट विद हिटलर एंड हेल्प हिम ऑक्यूपाई नॉर्वे। He then declared himself leader of Norway, but at the end of the war, when Norway was liberated, he was found guilty of treason and executed. Name him. वह 1931 में नॉर्वे के रक्षा मंत्री बने, लेकिन 1933 में नेशनल यूनियन पार्टी बनाने के लिए इस्तीफा दे दिया। 1940 में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और नॉर्वे पर कब्जा करने में मदद की। फिर उन्होंने खुद को नॉर्वे का नेता घोषित किया, लेकिन युद्ध के अंत में जब नॉर्वे को आज़ाद किया गया तो उन्हें राजद्रोह का दोषी पाया गया और उन्हें मार दिया गया। उनका नाम बताइए। आंसर इज विडकुन क्विंसलिंग। लास्ट, ही वॉज एन एम्बिशियस लीडर अंडर द नवाब ऑफ बंगाल सिराज उद दौला। इन 1757 रॉबर्ट सिबिल स्लिव of the British East India Company made a deal with this official whereby the latter agreed to hand over the Bengal army at the Battle of Plassey in exchange for control of the new puppet state. Who was this person? वह बंगाल के नवाब सिराज उद्दौला के अधीन एक महत्वाकांक्षी नेता था। 1757 में ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने इस अधिकारी के साथ एक सौदा किया, जिससे बाद वाले नए कठपुतली राज्य के नियंत्रण के बदले प्लासी की लड़ाई में बंगाल की सेना को सौंपने के लिए सहमत हो गए। वह व्यक्ति कौन था? आंसर इज मीर जाफर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।